वो 100% जायज है। जो आपकी मांगे हैं वो सरकार के द्वारा किया गया आपका करार है, एग्रीमेंट है। जो आपकी मांगे हैं उस एक एक मांग के साथ मैं खड़ा हूं। और 3 दिन का समय, आज 20 तारीख हो गई, 21, 22 और 23 लगातार नोएडा के सवाल को संसद में उठाने का प्रयास करूंगा। पहला मौका मिलते ही आपके मुद्दे को वहां उठाने का काम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मंत्री बनाते हैं और जिसको चाहते हैं सत्ता से उखाड़ के जमानत जब्त कराते वापस भेज देते हैं। आपकी उंगली की जो चाहिए आपको लगती है उंगली में, उसमें इतनी बड़ी ताकत है। और अभी तिरंगा यात्रा निकाला लोनी में गाजियाबाद, एक मुकदमा और कर दिया, 19वां मुकदमा। मैंने कहा भाई तिरंगे का अपमान हमने कैसे किया ये तो बता दो। बोले साहब गलती हो गई, FIR लिख गए। ये सरकार चल रही है, एक सांसद पे मुकदमा लिख दिया, तिरंगे के अपमान का मुकदमा लिख दिया, मीडिया में खबरें भी चल गई और बाद में कहते हैं गलती से लिख दिया। मजाक बना रखा है आपने, लेकर रहेंगे। संसद 2-3 दिन की बची है, ये सत्र 23 तारीख का है। मैं कल भी इस पर सवाल लगाऊंगा, जैसे ही मौका मिलेगा, और सारी चिट्ठियां आपको भेज दूंगा। परेशानी ये हो जाती है कई बार लोगों को लगता है मेरा सवाल उठा नहीं, वो मेरे हाथ में रहता नहीं, वो हमारे चेयरमैन साहब के हाथ में रहता है। जैसे ही मौका मिल जाता है वो चाहे शिक्षा में। नोएडा अथॉरिटी ने नोएडा के 81 गांव के किसानों के साथ, यहां के लोगों के साथ, यहां के रहने वालों के साथ एक समझौता किया था जब उनकी जमीनें अधिग्रहित की जा रही थी। उस समझौते का पालन कराने के लिए लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं इनकी मांगों को देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का पूरा प्रयास करूंगा। किसानों के साथ मैं पूरी तरह से हूं, किसानों के आंदोलन में मैं शामिल होता रहा हूं। जब भी किसानों का मसला आया संसद में उठाया हूं। मैं किसान का बेटा हूं और इसलिए इनके आंदोलन में तन मन धन से मैं और मेरी पार्टी इनके साथ है। ये फोन अरे भाई बता रहा ठीक चलो ना वो लोग